370 रुपए में मेरा फुल टैंक हो गया। भाई ऐसे दिन कब आएंगे, कब आएंगे मोदी जी। वेल गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फ्यूचोलिंग भूटान। और आज है day 2 हमारे ट्रिप का। एंड जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, पास कल नहीं मिला, आज सुबह से दौड़म भागम चल रहा है, हमें लगेंगे परमिट के लिए। और अगर शाम तक मिल जाता है सब कुछ तो आज ही निकल जाएंगे रात को, अगर नहीं मिलता है तो फिर कल सुबह निकलेंगे। लेकिन वीडियो में देखने को मिलेगा क्या करते क्या नहीं करते। चलिए, क्या कर रहा है? खुजा रहा हूँ। क्या कर रहा है? खुजा रहा हूँ। मैं, हेलो दोस्तों, बुजुर्ग बच्चा बड़ी और मेरे समेत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी हमारे YouTube चैनल में। और देर से थोड़ा इंट्रो किया है अभी फिलहाल, और हम लोग जो थे होटल में, होटल का नाम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रुकिए एक सेकेंड। यप, दिस वॉज द नेम ऑफ द होटल, क्वेंजा होटल, फुनसिलिंग में है। और हमारा जो पार्किंग था वो यहाँ पे था। और पार्किंग का कितना लगा भाई? एक घंटे में 20 रुपया, एक घंटे का 20 रुपये चार्ज करते हैं यहाँ पे पार्किंग का। और कुल मिला के हमने पे किया दो बाइक का लगभग 1000 रुपये का पार्किंग है यहाँ पे। और इस तरफ है अभी परमिट का ऑफिस, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, परमिट इशू करेंगे। उसके बाद बाइक का भी, व्हीकल परमिट भी चाहिए। अगर आज दिन अच्छा गया तो सही है, नहीं तो फिर कल। गाइस, ये पीछे का जो नज़ारा आपने देखा, ये परमिट ऑफिस का ये चक्कर है, यहाँ पे परमिट बनता है। उसके बाद आरएसटी ऑफिस जाना है बाइक के परमिट के लिए। और यहाँ पे हर तरफ, अगर शुद्ध भाषा में बोले तो, दलाल लोग घूम रहे हैं पैसा लेने के लिए। आप दलाल के चक्कर में मत पड़िए, खुद से करिए थोड़ा, हम खुद कर रहे हैं। हाँ, यहाँ का जो दलाल लोग है बोल रहे हैं कि यहाँ के सस्ता लोग के लिए कुछ भी नहीं है, अंबानी होना पड़ेगा आप लोगों को। कब जाके मिलेगा? कब जाके मिलेगा? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। क्या चीज़ अच्छा लगा भाई? है कि अगर तुम रास्ते में कोई भी चीज़ फेंक के जाओ वो कोई नहीं लेता। जैसे बाइक के पार्किंग में हम लोग पैसा भी दिया है, लेकिन बाइक बहुत ही सिक्योर रहता है, क्योंकि बाइक में यू नो के लगेज वगैरह जितना भी है सब रखने के बाद भी आपको टेंशन नहीं होता है कि आपका लगेज चोरी चोरी हो जाएगा फलाना टीम का, ये सब का कोई टेंशन वेंशन कुछ नहीं है। आराम से जाइए और घूमिए। और तो बाइक पे गोप्रो रख के भी चला जाता है। गोप्रो हमने कल देखा था, कल जब होटल हम पार्किंग में रखे थे बाइक, तब देखा, बाइक देखा हमने वहाँ पे, गोप्रो भी था, हेलमेट भी था, सब कुछ था। और लोग बाइक रख के बाहर चले गए थे घूमने के लिए। ये घुस चुके हैं वहाँ पे होटल जोल के बोल के, यहाँ पे लंच करेंगे। चिकन थाली, वेज थाली सब कुछ मिलता है। चिकन थाली ऑर्डर किया 140 रुपये का मिलता है यहाँ पे, तो खाएंगे अभी, उसके बाद काम करेंगे। तो फाइनली मिल गया, बहुत कष्ट करने के बाद। पूरा दिन लाइन में रहा, सबमिट किया फॉर्म, वहाँ भी लाइन में रहा। अभी टाइम कितना हो रहा है बता दे एक बार। अभी 4 बजे है, 9 बजे से रुका था यहाँ हम लोग, 9 बजे से 4 बजे तक रुके हैं। अभी जाके मिला, वो भी सिर्फ आदमी का परमिट। खुशी आदमी का मिला, अभी तक बाइक का नहीं मिला। तो बाइक के लिए अभी क्या करना है? 4 बज के तो क्रॉस हो चुका है, वो ऑफिस तो बंद हो गया होगा, एक बार ट्राई मार के आते हैं। चलो, जैसे तैसे अभी पहुँचे पास परमिट वगैरह लेके। और हमारे शाहबाज भाई काफ़ी उदास, क्योंकि आरएसटी ऑफिस में बाइक का परमिट नहीं मिल रहा है। और सुबह 9 बजे आने के लिए बोल रहे हैं, देखते हैं फिर कितने बजे आते हैं हम लोग। उदास है हम लोग, चलो चलो। दिस इज द RTS ऑफिस, RST ऑफिस ऑफ भूटान। यहाँ पे बाइक का परमिट बनता है। आज तो काम नहीं बना, सुबह को आएंगे। अभी एक बार देख लीजिए 360 डिग्री में। हाँ, तो बस वगैरह का जुगाड़ भी यहीं पे होता है। यहाँ कोने पकड़ के देख लीजिए, यहाँ पे कोने में बस वगैरह सब कुछ है। भूटान को क्या नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता भूटान को, कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता? एक के टाइप करने में 5 मिनट लेता है, एक के नाम जो लिखते हैं, एक लेटर दबाने में 5 मिनट लगाते हैं। चलो चलो, होटल ढूंढो अभी फिर। चलो, पहला वाला होटल बहुत महंगा था, आज सस्ता वाला होटल ढूंढेंगे। इंडिया के साइड रहेंगे, क्योंकि भूटान के साइड रहेंगे तो आपको बम्बू दा बास लग जाएगा। थैंक यू, सेफ जर्नी ना। आपका होटल का नाम क्या था? आयुष होटल। आयुष होटल ना। सो राइट नाउ वी आर लिविंग द इंडियन साइड ऑफ भूटान। और यहाँ पे पीछे, यहाँ पे लिखा है द होटल का नाम आयुष लॉज। तो अभी हम लोग निकलेंगे, जैसे कल बताया था RST में व्हीकल परमिट बाकी बनाना बाकी था, वहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी व्हीकल परमिट बनाने। यहाँ पे हो चुका है ये वाले ऑफिस में पासेस वगैरह का काम सब हो चुका है फाइनल, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पारो टुडे। और इधर हमारे शाहबाज भाई का खुशी जो है एक चेहरे पे दिख रहा है, भाई का भी बहुत मेहनत के बाद। जो किया आपने, खुद से किया, ब्रोकर नहीं पकड़ा, ब्रोकर खुद से किया, वही बस ये भी एक्सपीरियंस फाइनली हो चुका है। 24 को आया था, आज 26 तारीख, 2 दिन लगा
और अभी जो है निकलेंगे टुवर्ड्स पारो। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए ब्लॉगिंग करते करते आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो राइट साइड में जो पेट्रोल पंप है यहीं पे हमने पेट्रोल डाला अभी। और भूटान में पेट्रोल का प्राइस जो है दोस्तों 53 रुपीज और 370 रुपए में मेरा फुल टैंक हो गया। भाई ऐसे दिन कब आएंगे मोदी जी। सो फाइनली आफ्टर 2 डेज ऑफ बकलोल हियर इन फुनशोलिंग अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स पारो। फ्लोरिंग भूटान का चैप्टर ओरिजिनल चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ पे जो 2 दिन हमने मेहनत किया है भाई, जरूर आपके साथ शेयर करेंगे हम और अलग वीडियो में शेयर करेंगे और पूरे विस्तार से बताएंगे कैसे बनाना पड़ेगा आपको परमिट वगैरह। सो बाय बाय फुनशोलिंग। थोड़ा बहुत खुला लग रहा है अभी, ऐसा लग रहा है कि सारा झंझट सारा झमेला जितना भी है सब छोड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं खुशी की तरफ। 2 दिन में जितना सफोकेशन मुझे मिला, जितना घुटन महसूस हुआ, उतना घुटन किसी भी जगह में जाके महसूस नहीं हुआ। भूटान में भी पहले मैं 2015 में जब आया था तब इतना भी मुश्किल नहीं था, पासेस वगैरह का मुश्किल ये सब क्या फलाना ढिमकाना का चक्कर नहीं था। लेकिन जो भी हो अंदर से एक खुशी है कि खुद से किया, जो भी किया खुद से किया। और समय द टाइम हो चुका है 12:30, निकले हम 9:30 बजे यहाँ पे। बाइक का परमिट निकालते भी 2-2.5 घंटा 3 घंटा चला गया। खैर जो भी हो, यहाँ से 160 किलोमीटर का रोड है, आराम से जाएंगे, हौले हौले जाएंगे ताबड़तोड़ मजा लेते हुए इंटरनेशनल राइड का। तो चलते चलते भूटान का पहला खराब रास्ता मिल चुका है, पत्थरों वाला, लेकिन बहुत ही छोटा सा स्ट्रेच और फिर से सही वाला रोड, मतलब मक्खन वाला रोड। यहाँ पे दिखाएंगे हम अभी परमिट वगैरह, पहला चेक पोस्ट। अभी भूटान में नाना पाटेकर को जगा दे, सुबह को निकले शाम को जाए, दिल फिर भी उजड़ा हुआ है, अच्छा है, चलो निकलो। बस बस पता नहीं आगे फिर कहाँ पे चेक पोस्ट होगा। खैर जो भी हो अच्छा है। कीप सेफ डिस्टेंस ऑन द रोड्स, नहीं रखेंगे एकदम पिछवाड़े में चिपका चिपका के चलेंगे इस तरह। अच्छा संतरे का दुकान, इस कलयुग में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं बिना जीपीएस के। वैसे मुझे आदत तो है, पहले जब मैं ट्रिप वगैरह में करता था 2015 में जो आया था उस तब भी मैंने गूगल वगैरह ऐसे यूज़ नहीं किया था, ऐसे ही चलते चलते पहुंच गए थे हम लोग। तो इस बार भी चलते चलते पहुंचने का प्लान है। काफ़ी चढ़ाव यहाँ पर, दर्शकों में उत्साह और गाड़ी घुमाते हुए हम चढ़ गए। वेल यप, थिम्पू यहाँ से है 168 किलोमीटर एंड गेदू है 36 किलोमीटर। एक ऐसा नाम है गेदू, प्लीज डू नॉट लिटर, लिटरिंग इज एन ऑफेंस। नहीं हमको तो पता ही नहीं, अभी पता चला हमको। जुबा पे कंट्रोल और पेट पे कंट्रोल करके आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा बहुत पेल पुल के किलोमीटर कम करना है, उसके बाद ही कहीं पे लंच करेंगे। तो अरे बाप रे, धूल मिट्टी नागालैंड का याद दिला देता रे। तो दिस इज ए लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। आप देख सकते हो वहाँ राइट हैंड साइड में ऊपर में जो पहाड़ है ढक चुका है कोहरे में, कोहरा मतलब धुंध, धुंध मतलब फॉग। कंबल वम्बल निकालना पड़ेगा मेरे ख्याल से शायद बहुत जल्द। क्या मस्त कोना था रे बाबा, क्या लिखा था भाई वहाँ पे, डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। मोबाइल का नेटवर्क रहेगा तो यूज करेंगे ना मोबाइल का। आ, बात करते हो आप, तुम्हारे लिए रुके थे। ठंड देखा कितना यार, अचानक से ठंड बढ़ गया, अभी लग रहा है ना, अभी लग रहा है कहीं पे जा रहे हैं, ठंड लग रहा है, उंगली फ्रीज हो रहा है धीरे धीरे। गेदू 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 में रुकते हैं। गेदू वी आर कमिंग। अरे ऊपर में देखिए दोस्तों, फॉग जो है टहल रहा है पहाड़ों के बीच में से, ठंड लक्षी। अरे हम्बा भैया, भूटान के हम्बा है, वाह वाह, लग रहा है ना हिल स्टेशन एकदम। आए हाय ऊपर वाले, तूने क्या क्या बनाया है, सब कुछ देखना है धीरे धीरे। बाप रे बाप, लुक एट दिस मैन, वाओ जस्ट वाओ, चेरा पूंजी क्या याद दिला दिया भाई। ऐसा लग रहा है कि हम चढ़ाई कर रहे हैं नाथुला पास का। फंस गए ट्रैफिक में, फंस गए। थिम्पू 127 किलोमीटर, लेकिन पारो थिम्पू दोनों का रहने से सही है क्योंकि दोनों जगह एक ही किलोमीटर होता है। वो कैसे होता है वो आगे पता चलेगा आपको, वीडियो में बने रहिए। सो लास्ट रुके थे गेदू में। गेदू में क्या हुआ कि हमारे शाहबाज भाई बोल रहे थे भूख नहीं लगी, तो वहाँ से हम रवाना कर दिए। अभी वांखा बोल के जगह है, वहाँ पहुँचने वाले यहाँ से 9 किलोमीटर है, बट ऑन द वे ये दिख गया हमें डंटक कैंटीन वेलकम्स यू बोल के। तो यहाँ पे गाड़ी रोके है, अभी थोड़ा यहाँ पे खाएंगे। ओके ठंड बहुत है, वहाँ पे खाना खाया, दाल भात 90 रुपए, पेट भर के एकदम पेट भर के, दाल भाजी
और क्या? मिर्ची, पापड़ और अचार। अचार अभी क्या है, इधर से जो रोड जाता है उस तरफ जाना है बाइक लेके, और हम लोग इस तरफ से होके होके फिर उधर चले जाएंगे। अभी कितना सही लग रहा है, अभी तक का रोड तो काफी सही है, सही मतलब एकदम जबरदस्त है, देख ही सकते हो आप। ठंड में हालत करकी हो गया। बहुत ही सुंदर ब्रिज यहाँ पे, छुटका सा ब्रिज। अरे बाप रे, इधर में झरना भी है, ताबड़तोड़ झरना। ओके, इमिग्रेशन चेक अहेड। तो यहाँ पे हमें फिर से चेक करने पड़ेगा, करवाना पड़ेगा हमारा पास वगैरह, परमिट वगैरह। हम लोग फुनशोलिंग से मीटर या 70-80 किलोमीटर आ चुके हैं। कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, मिस करने से क्या होता है भाई, कितना का 1650। अगर एक भी चेक पोस्ट मिस हो गया गलती से तो फाइन भरो पर पर्सन 1650, नहीं तो वापस जाओ, घर चले जाओ। अच्छा है, आगे जाओ। शिमाशाम 10 किलोमीटर। शिमाशाम वो जगह है दोस्तों, जो 2015 में आया था भूटान में, तो मैं शिमाशाम में ही रुका था। बी कॉशियस ऑफ फॉलिंग बोल्डर्स। अरे बाप रे, यहाँ पता, अरे बाप रे बाप, ये चट्टान माफिक, पत्थर माफिक पहाड़ है ना बाबा। बहुत ही ताबड़तोड़ लोकेशन है भाई, एकदम हिमाचल जैसा। Look at the bridge, man. It's looking wonderful. So, अभी सुंदरता भरे इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे। छोटा सा अभी ब्रेक लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाइक्स वगैरह रखा है मैंने, और हमारे शाहबाज भाई थोड़ा नेचर्स कॉल अटेंड करने गए हैं। देयर सराउंडेड विद माउंटेंस एवरीवेयर, और यहाँ से पारो है लगभग 51 और 52 किलोमीटर्स। ठंड भी बढ़ रहा है, लेकिन गोप्रो को चार्ज में लगाना जो है ज़रूरी था, तो थोड़ा रुके हैं यहाँ पे, अभी चार्ज हो रहा है गोप्रो। सोनम, अच्छा अच्छा, आएंगे वीडियो में? होगा। चलिए भाई, आएंगे वीडियो में, शर्म के मारे चले गए भैया। इस नेम इज़ सोनम बाय द वे। इस ब्रिज का नाम देख लेते हैं, इस ब्रिज का कुछ नाम भी है। ओके, हियर इट इज़ रिटन, स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो। टनालुंग चू ब्रिज, भूटान इंडिया। अच्छा लग रहा है, ठंड है काफी यार। हम -8 डिग्री तक झेल सकते हैं। क्या सकते हैं? झेल सकते हैं, झेल सकते थे। थोड़ा तोतला सेट जाओ। म्यूजिक का मजा लेते हुए, नज़ारों का मजा लेते हुए, फाइनली वी हैव रीच्ड द पॉइंट जिसके बारे में आई वाज टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर इन द ब्लॉग, कि एक टी पॉइंट आएगा, वहाँ से दो रास्ता होता है, एक लेफ्ट को एक राइट को। द राइट को जा रहा है ये वाला रोड, इसमें आप जाओगे तो थिम्फू मिलेगा, एंड लेफ्ट वाला जो रोड जा रहा है इसमें जाके आपको जाना पड़ेगा पारो। और वो देखो आगे जो दीवार में फोटो लगा, वो राजा और रानी का फोटो है। यहाँ से अगर लेफ्ट लेंगे ना, लेफ्ट लेंगे तो वी विल हेड टुवर्ड्स द हावेली। हावेली नहीं जाना, पारो जाना है, तो हम राइट को लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे चाय पियेंगे आई गेस। हाँ पियो ना, अच्छा लगेगा, चाय पियो, मजे से जियो, और जियो का सिम काम नहीं कियो। हम भी गए हो, तुम भी गए हो। ये क्या लेके जाता रे बाबा। चलो पारो चलो, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे क्या है, एयरपोर्ट है, सही है। ड्रग्याल जोंग 38 किलोमीटर, पारो 25 किलोमीटर। वेरी गुड पारोटी बिस्कुट। ओए माय गॉड, आई लू है, इमान ठंडा लगसे। नीचे से नदी, ऊपर से ताबड़तोड़ रोड, और का चाहिए तुम, का चाहिए, बट हमको चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए कंबल और एक बिस्तर। घाटी पाता गरम गरम, भूटान पाता ठंडा रे, कत जे आही गलो इमान दूरले, ओ इमान दूरले। जाजाबर जाजाबर एकदम, माने कि कम आर
फ्रॉम हियर पारो इज 7 किलोमीटर्स एंड एयरपोर्ट इज 2 किलोमीटर्स। बार बार एयरपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट में थोड़ी जाना है मुझे। साइड से नदी जा रहा है और बगल में रोड, ये दिन में नज़ारा जो है ये अच्छा लगेगा। आई गेस हम एंटर कर चुके हैं पारो, चलिए फिर होटल में जाके मिलते हैं, चलिए। अब गाइस फाइनली मिल चुका है होटल रूम, ये है कमरा, ये बिस्तर हुआ, ये पर्दा चकाचक नया पर्दा, और फ्लोर जो है देखिए वुडन फ्लोर, वुडन फ्लोर है। मेहनत का फल मीठा होता है, वही मीठा हो चुका है। हाँ। बहुत ढूंढने के बाद ये होटल मिला है भाई। बाद में सोना जूता खोल लो, 1500, 2000, 2500, 3000 ये सभी रेट चल रहा था। हमने बहुत ढूंढा, एक डेढ़ घंटा ढूंढने के बाद ये होटल मिला है। होटल का नाम है उडगेन लॉज, और उडगेन लॉज यहाँ पे भी 1000 रुपये बोला पहले, थोड़ा बार्गेनिंग करके मिल चुका है 800 रुपये में। यहाँ पे 3 दिन रहने वाले हम लोग, और यही से हम लोग जाएंगे थिम्फू, यही से हम लोग जाएंगे टाइगर नेस पारो, यही से हर जगह ट्रेवल करेंगे, लेकिन रात को यही आएंगे। फाइनली पहुंच गए हैं, और अभी फ्रेश होके बाहर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, तो उसको फिर क्या वीडियो में दिखाना। तो यहाँ पे वीडियो आज का समाप्त होता है। यहाँ तक अगर वीडियो देखा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइट सेफ। बाय 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 बोल दे, बाय बाय, चलो बाय बाय। Okay guys, after doing trekking up for around 4 hours, we reached this point, the tiger nest.